विकास जी के लिए ताली बजाइए। ये बहन बहुत अच्छी अदाकारी की है इन्होंने, और इनका योगदान भोजपुरी में जो रहा है इसके लिए हम सब आभारी भी हैं। इसी बात पे एक जोरदार तालियां हो जाए। और इसके साथ मैं खुद बोलना चाहता हूँ कि इस फिल्म में मैं भी हूँ, मेरा नाम दीपक सिन्हा है। शायद हमारे लिए कुछ बजाते तो बहुत। तो ये है फिल्म का नाम, एक बार आप लोग जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज हीरोइन ने सारे बोल दी, माइक माइक एक साथ बोलेंगे, आप सब एक साथ बोलेंगे। देखिए आप जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे तो तालियां पड़ेगी। ये रानी जी बोली तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हीरो ओहे जे हीरोइन लेके जाए। थैंक यू। एंड मैं सभी को कांग्रेस कहना चाहूंगी, रत्नेश जी आपको भी, डायरेक्टर सर आपको, एंड आप अभी आप डेब्यू करने जा रहे हैं हमारे साथ, तो हम इतनी हीरोइनें हैं तो आप एकदम कमर कस लीजिएगा। और सबको मुबारक हो एंड विश मी ऑल द बेस्ट फॉर इंडियन मदर। थैंक यू दोस्तों। रियल इंडियन मदर मेरे दिल के बहुत ही करीब है फिल्म, क्योंकि इसमें मेरे 3-4 शेड्स हैं कैरेक्टर के, और बहुत मेहनत की थी मैंने। एंड मुझे लगता है कि लगता नहीं कंफर्म कि इस तरह के शेड्स वाली फिल्म नहीं आई है भोजपुरी में ज़्यादा। लोग पसंद करेंगे, लोगों को बहुत दिन बाद एक मिट्टी से जुड़ी हुई कोई फिल्म देखने को मिलेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये रियल इंडियन मदर तो नाम से ही पता चलता है कि ये नारी प्रधान, महिला प्रधान फिल्म होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये टाइटल जो है वो नारी प्रधान है, बट फिल्म में हर एक वो चीज़ है जो लोग देखना चाहते हैं। यंगस्टर्स की भी एक अपनी स्टोरी है, एक माँ की अपनी एक अलग कहानी है, एक बहन एक भाई की अपनी अलग कहानी, एक लव स्टोरी भी चल रही है फिल्म में। तो इसे मैं कमर्शियल फिल्म कहना ज़्यादा पसंद करूँगी। लोगों के लिए एक नई सोच और एक नया मैसेज लेकर आएगी ये फिल्म। जी, कलाकार को एक अच्छी फिल्म के लिए क्या किन चीज़ों का जरूरत होता है, चयन करना जैसे सब्जेक्ट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद डायलॉग्स, देन डायरेक्टर जो हों फिल्म के, वो ऐसे डायरेक्टर हों जो एक्टर के अंदर की जो चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल पाएँ। और मुझे लगता है कि अगर डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं किसी एक्टर को, तो परफॉर्म करने में और मज़ा आता है। तो 2-3 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा काउंट करती हैं एक फिल्म के लिए। ऐसा लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, अक्सर होता है लोगों से, मिस्टेक हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जननी हूँ, बट हाँ ये लक रहा है मेरा कि जिस फिल्म से मैंने डेब्यू किया था उस फिल्म के बाद ही भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बनना शुरू हुई, एक अलग मुकाम लिया जो उस फिल्म ने, ससुरा बड़ा पैसा वाला ने। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और मैं हमेशा सभी दर्शकों को, पूरी इंडस्ट्री को हमेशा इसके लिए थैंक्स कहती हूँ, जो कि बहुत छोटा शब्द है बट फिर भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी, रियल इंडियन मदर की बात करें तो इसमें ट्विस्ट दर्शकों को क्या कुछ? ये तो फिल्म देखने के बाद मालूम होगा। ट्विस्ट ये होगा ना, सबसे पहले लोगों को नया ये होगा कि मैं 3-4 कैरेक्टर्स में नज़र आने वाली हूँ। मैंने खुद भी पहली बार इस तरह का कैरेक्टर पहली बार किया है, एक ओल्ड लेडी का किया है, यंग गर्ल का किया है, देन एक आर्मी की जो फौजी है उसका भी कैरेक्टर किया है। तो ये लोगों के लिए तो कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे कभी रोल में नज़र नहीं आई, तो ये चीज़ नहीं होगी। गाने बहुत अच्छे हैं इस फिल्म में, एक देश के ऊपर भी सॉन्ग है जो मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, जो खेत खलियानों में मैं गा रही हूँ। तो कई चीज़ें जो हैं जो बहुत ही गैप के बाद लोगों को नज़र आएंगी भोजपुरी फिल्म में, जैसे खेत खलियान हो गए, देश के ऊपर सॉन्ग हो गया, एक मिट्टी के ऊपर सॉन्ग हो गया, तो कई चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी लगेंगी। जी, आर्मी की किरदार की अगर बात करें आपकी, तो उसके लिए आपने कोई प्रिपरेशन ली थी स्पेशल?
एक्शन तो मैंने सीखा हुआ है पहले से. प्रिपरेशन यही था कि आर्मी की जो फौजी होते हैं उनका एक एटीट्यूड होता है, वो लोग सर पे हमेशा कफन बांध के चलते हैं, तो उस एटीट्यूड को मैंने कैरी किया उस कैरेक्टर में. लेकिन जब वही लड़की अपने घर जाती है तो एक बहुत ही नटखट चुलबुली लड़की है, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहन लेती है तो उसके सर पर भूत सवार हो जाता है और वो मौत से भी नहीं डरती है. तो ये दो तीन शेड उस कैरेक्टर. थैंक यू. नहीं, पहले तो मैं सारे भोजपुरी दर्शक हैं जितने मेरे सबको प्रियंका पंडित का नमस्कार. एक्चुअली ये द रियल इंडियन मदर है, उसका म्यूज़िक लॉन्च है और हमारी एक यही रत्नेश यादव जी की नई फिल्म है जो हम लोग अक्टूबर में शूट करने वाले हैं, उसका मुहूर्त है जिसका नाम है हीरो उहे है जे हीरोइन लेके जाए समथिंग. जी, ये हमारी फिल्म का मुहूर्त है और इसके अंदर नए हीरो हैं जिनका नाम है प्रमोद लाल यादव, रानी जी हैं और मैं हूँ, और ये दोनों चीज़ें साथ में हो गई हैं, तो शायद इसलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. बट द इंडियन रियल मदर के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये, और रानी जी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म के अंदर, और मैं बहुत बेसब्री से इस फिल्म का वेट कर रही हूँ कि जब ये रिलीज़ हो तो मैं इसे देखूँ. आपकी आने वाली फिल्म कोई? जी, अभी तो मैं ये फिल्म अक्टूबर में करूँगी और अभी मैं रिसेंटली दो तीन फिल्में और कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं सब टीवी का शो कर रही हूँ कृष्ण कन्हैया, अभी मैं कंटिन्यूसली उसके शूट में काफ़ी बिजी हूँ. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी धन्यवाद, थैंक यू. हीरो हीरोइन लेके आज जितना भी भोजपुरी दर्शक जबानी सभी लोग प्रमोद प्रेम यादव के उसे हार्दिक अभिनंदन, और ये पहला फिल्म हमारे बा जौन हीरो हुए जे हीरोइन लेके जाए हमार रत्नेश यादव जी और हमारा अरुण भैया और मुना दुबे जी के सहयोग बहुत विशेष हमारा ऊपर रहा. चाहब के पहलका हमारे फिल्म है, फिल्म में अपना के स्ट्रोंग कह के मैंने कोई भी काम करियो फिल्म बढ़िया से बढ़िया होके आए. में जितना भी गाना भी बा, चार पाँच गाना हम गईले बानी, उमें वो गाना हम गईले बानी कि एगो लड़का एगो लड़की के छेड़ा था, हर किमिनी ऐसे कोट पहन के घूमता रे टाउन केस बराउन कई के हो, किमिनी ऐसे कोट पहन के घूमता रे टाउन केस बराउन कई के हो, केस बराउन कई के हो, पहिरे जींस कमर के डाउन केस बराउन कई के हो. ऐसा ढेर सा चार पांच गो हमारे गीत बा जौन फिल्म में हम गौले बने, और ममता रावत जी ऐसा फिल्म बा जौन हमने के भोजपुरी में अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकत हैं जा. इस हमने के मन में इस विश्वास बा कैसा हमने के पहलका फिल्म कल जाओ जो अपने पूरा फैमिली के साथ बैठ के देख सकी जा, सुन सकी जा. इस फिल्म के कहानी के बारे में अगर एक कहानी के बारे में अब प्रदा पावल जी तरह से देखब सुनब. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ जी, प्रोडक्शन के बारे में अभी फिल्म की कहानी तो मैं नहीं बता सकता, ये तो डायरेक्टर साहब या राइटर बताएंगे. रत्नेश जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जब मुझे बुलाया, और राजू जी जो इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं उनके साथ एक फिल्म मैं प्लान कर रहा था, मैंने इससे पहले प्रोड्यूस भी की थी दो फिल्में. तो जब राजू जी का फ़ोन आया कि एक बार मिलना है, और जब नरेशन हुई तो इतना बेहतरीन रोल उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, इसके लिए मैं उन सब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. और बाकी मैं अभी तेलुगु फिल्में कर रहा हूँ, अभी भोजपुरी फिल्में वैसे मैं कर नहीं रहा, लेकिन क्योंकि ये बहुत हटके मुझे कुछ लगा तो इसलिए मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों को काम अच्छा लगेगा. ये कलाकार को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का चयन करना ये होता है कि जैसे सब्जेक्ट हो, डायरेक्टर? जी 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 देखिए जी, कलाकार की हर किसी की अपनी सोच है. मेरी सोच ये है, जब तक मुझे यहाँ से नहीं लगता कि मुझे ये रोल करना चाहिए तब तक मैं वो फिल्म नहीं करता हूँ. पूरी स्क्रिप्ट में पहले सुनता हूँ, और क्योंकि कोई भी इंसान फिल्म बनाता है, ख़राब फिल्म बनाने के लिए कोई नहीं बनाता है, हर कोई अपने तरीके से अच्छी. अब डिपेंड ये करता है कि वो एज एन एक्टर मुझे कितना अपील कर रही है, या मुझे अंदर से कितनी किक दे रही है कि राजन तुझे ये रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मेरा सिर्फ ये है, मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा रोल, उसके बिना मैं फिल्म नहीं करता हूँ. जी, जी, जी,
जी बहुत बहुत बधाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी अनगिनत फिल्में आपने शुरू कर दी है। क्या कहना चाहेंगे पहली फिल्म के बारे में, रियल इंडियन मदर के बारे में? क्या राइज फिल्म इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी हमारी पहली फिल्म रियल इंडियन मदर, जो अभी बन के रेडी है, सेंसर में गई है फिल्म और जस्ट ही आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। इस फिल्म का आज हमने ऑडियो लॉन्च किया है टी सीरीज़ के माध्यम से, और मैं ये चाहूँगा इस फिल्म के बारे में बताना कि ये फिल्म टोटल भारतीय जो समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, या भारतीय समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति खोने के बाद बिखर जाती हैं, इस फिल्म में जो रानी का कह सकते हैं कि हीरोइन जो हमारी रानी है, जो इंडियन मदर का रोल किरदार निभाया रानी जी ने, ये मैसेज जाता है कि एक विधवा महिला भी अपने बच्चों को अच्छा परवरिश करके इस समाज में उनको अच्छे मुकाम पे बैठा सकती है। और बहुत सारे गांव की समस्याओं का एक लेडी होके इस महिला ने सोल्यूशन निकाला और एक अच्छा मैसेज दिया कि महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक प्रोड्यूसर होने के नाते फंड बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ता है, कितनी परेशानी आई आपको फंड इकट्ठा करने में? हमें कोई परेशानी नहीं आई क्योंकि हम किसी फाइनेंसर से फंड नहीं लिए हैं, एक्चुअली हम पैसे से बिल्डर हैं और हमारे और भी बहुत सारे काम काज चलते हैं हमारी कंपनी के। वाटर प्योरीफायर के क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री में फैक्ट्री है और IT क्षेत्र में हमारी कंपनी काम करती है। ऑलरेडी फंड से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था और हम ये भी फिल्म में किसी से फंड हम नहीं लिए हैं और फंड लेके हम फिल्म बना के कोई कहने का मतलब ये था कि भाई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है वो तो निकलना चाहिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे प्रोड्यूसर होने के लिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए, समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना? सबसे बढ़िया सवाल आपने किया और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। एक प्रोड्यूसर के पहली बात अपना बजट पहले दिन निर्धारित कर लेना चाहिए, मुझे कितने बजट में फिल्म को बनानी है, और वो सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन आपको महीने भर पहले निकाल लेना चाहिए। कहाँ शूट करना है, क्या लोकेशन है, क्या कॉस्ट्यूम है, क्या आपको आर्टिस्ट को देना है, आज डिमांड आपकी आर्टिस्ट से क्या किया है, कल ऑन शूट क्या डिमांड होती है, इस छोटी मोटी चीज़ों को हम लोग जब ध्यान नहीं देते तो बजट ओवर हो जाता है। जी रानी सेठ जी, और आपका केमिस्ट्री कैसा रहा इस फिल्म में? रानी बहुत अच्छी आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छी नेचर की महिला है, लेडी है, और उस लड़की ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया और हम चाहेंगे कि आगे हम साथ में काम करेंगे। हमें कोई समस्या कोई प्रॉब्लम रानी के माध्यम से नहीं है। जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए समाज में? रियल इंडियन मदर में मैं डायरेक्टर नहीं था, सॉरी, ये हीरो वो है जो हीरोइन लेके जाकर मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है। इसके पहले मेरी 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है, रखेल आसान, भोजपुरिया जवान, वीर बलवान और जानलेवो का, ये मेरी 4थी फिल्म है, तो रत्नेश जी के साथ जुड़कर ये फिल्म में कर रहा हूँ। रानी चटर्जी जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म है। और एज ए राइटर अगर बात करें तो कैसी है ये फिल्म और ये कहानी क्या है, कैसे आपने ज़हन में इस कहानी को पर्दे पर लाने की सोचा? देखिए पहली बात तो यह है कि मेरे तरफ से और राजू भाई के तरफ से रियल इंडियन मदर्स की फिल्म को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं वो फिल्म अच्छी चले। और दूसरी बात, हीरो वह है जो हीरोइन लेके जाए, इस कहानी का मैं आपको कंसेप्ट तो नहीं बताऊंगा, बट इस फिल्म के टाइटल से आपको लगता है कि थ्रिल है, फिल्म के अंदर थ्रिल है। और जहाँ तक हमारे पास एक कंसेप्ट आया था, एक टाइटल आया था कि हीरो भी है जो हीरोइन लेके जाए, बहुत कम ऐसे राइटरों को ऐसा मिलता है कि भैया टाइटल है इस पर फिल्म बनाई, मैंने ही सोचा। और जो फिल्म के कंसेप्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग्स में है, इसमें हमारी टीम को, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, बहुत अच्छा राइटर भी नहीं हूँ, लिख लेता हूँ, हमारी टीम के जितने सदस्य हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स, सब इवन स्पॉट वाइज सिलेक्शन, मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म बनती है ना सबके योगदान से बनती है, और फिल्म बनेगी सबके योगदान से बनेगी, और जो भी रचना हुई है, जो भी लिखा गया है, इसमें सबका योगदान है और अगर रहना चाहिए
मैं सभी लोगों को क्रेडिट देता हूँ इसके लिए। इस फिल्म को लिखते वक्त मेरे जहन में आया था कि हम जो भोजपुरी फिल्में लिखते हैं, हम क्या उसको एक अच्छा स्क्रिप्ट प्ले लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो कोशिश की है मैंने कुछ अच्छा करने की। इसके पहले मैंने ओढ़निया कमाल करे एज ए राइटर लिखा था, और एज ए राइटर डायरेक्टर मैंने फिल्म की थी सजना मंगिया सजा दहा, जो 2014 में रिलीज हुई थी। राइटर को अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर कितना दमदार होना चाहिए, इस बात का आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, हम जो पटकथा या संवाद लिखते हैं तो सबसे पहले चीज़ होती है कि मेरा प्रोड्यूसर कितना कैपेबल है। मैं अगर जानता हूँ कि मेरा प्रोड्यूसर हेलीकॉप्टर या चॉपर से यूज नहीं कर सकता है, या ट्रेन में सीक्वेंस में फाइट नहीं शूट कर सकता है, जहाँ तक भोजपुरी फिल्म है, तो वैसा सीक्वेंस हम लिखते ही नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर, अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द मूवीज, हम लोग को स्क्रीन प्ले लिखना पड़ता है। ये हमारी भोजपुरी फिल्म के राइटर्स की मजबूरी समझ सकते हैं या उनकी कमजोरी समझ सकते हैं। चीज़ें हैं कि अच्छी चीज़ें लिखी जाएगी, हम साउथ के पैटर्न में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बशर्ते कि वैसे शूट किया जाए, बजट हमारे पास हो। करेक्ट। और हमारे पास भोजपुरी फिल्म में अभी ऐसे डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, जो साउथ की तरह फिल्में बना सकते हैं, वो बजट होनी चाहिए। रोहित शेट्टी अच्छी फिल्म बनाता है, हम देखते हैं क्या भोजपुरी में नहीं बना सकते, बना सकते हैं। चीज़ें हैं कि हमारे पास वो सहूलियत हो, सुविधाएँ हो, वैसे प्रोड्यूसर्स हो और वैसे टैलेंटेड एक्टर्स हो। हमारे अंदर टैलेंटेड एक्टर्स की कमी है। सबसे पहले एराइस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म हीरो वह जो हीरोइन लेके जाए, जिसमें हमारे रत्नेश यादव जी हमें पहली बार म्यूजिक करने का दिया। इससे पहले उनकी पिक्चर में सिर्फ गीत लिखा था, लेकिन उन्होंने विश्वास करके हमको एक म्यूज़िक का भी पूरा कमान दिया है कि हम संभालें उस चीज़ को। और हम मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी से अच्छी म्यूज़िक और गाने मैं बना सकूँ। और इस पिक्चर में हमने पहली बार नकाश अजीज ने गाना गाया है, जो गाया है अभी सेल्फी ले साड़ी का फॉल सा धतिक नाच, जिसको हमने इस हीरो हीरोइन का टाइटल सॉन्ग हमने नकाश अजीज से गवाया। अरे प्यार और जंग में बा सब जायज, केहू के बीच आइल बाटे न जायज, लाइन वाइन मारी केहू आँख ओख से कि सब असे ही देखते रही, हीरो हीरोइन के हीरो हीरोइन के हीरो हीरोइन के लेके जाई विलेन हाथ गोड़ मलते रही। और थैंक यू, अगर मीडिया और पब्लिक और हमारे जितने जनता है अगर हमारा सपोर्ट करे तो क्यों नहीं हिट होगी। ओके, नमस्कार। उस मूवी का यहाँ ले लीजिए। एक मंडप में दो शादी ऐसे ही होता है। और सेम हीरो हीरोइन तो और कंफ्यूजन। अगला जी अंकल आज रियली इंडियन मदर का म्यूज़िक लॉन्च हुआ और फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे हैं। रोमांटिक सॉन्ग्स और मेरा सोलो सॉन्ग इसमें है, बहुत ही अच्छा है। इसमें एक देश के ऊपर भी सॉन्ग है, वो भी बहुत अच्छा है। पूरी म्यूज़िकली फिल्म है रियल इंडियन मदर। आई होप कि लोगों को आज म्यूज़िक लॉन्च हुआ है तो लोग जब सुनेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इन्जॉय करेंगे लोग। रिलीजिंग डेट तो मुझे भी पता नहीं, बट ट्रेलर मार्केट में आ चुका है। ट्रेलर लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, सॉन्ग्स बहुत पसंद कर रहे हैं। अब लोग ऑडियो सुनेंगे, वो भी लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप कि जल्दी ही फिल्म रिलीज डेट पर आएगी। कौन सी लहर? किस चीज़ की लहर? मेरे अफेयर्स? ओम्मा फिर एक्चुअली क्या होता है ना, टाइम के साथ साथ हर चीज़ें चेंज होती हैं। लोग मुझे ज़्यादातर मेरी एक्शन फिल्में ही देखना पसंद करते हैं लोग, इसलिए मैंने एक रूटीन कर लिया कि मैं साल में
तीन चार फिल्में एक्शन करूँगी, उसके अलावा अगर मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जो मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी, क्योंकि 11 साल मैंने कंटिन्यू ऐसे काम किया है जैसे लोग कहते हैं ना पागलों की तरह काम किया है, दिन यहाँ तो रात कहीं और हो रही है, तीन तीन शिफ्ट में काम किया है, तो अब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ। साल में 3 फिल्में रिलीज़ होंगी और क्या है ना, अपनी भी लाइफ थोड़ा जीना चाहिए। आने वाली मेरी फिल्म अभी आएगी हिम्मत वाली, एक्शन फिल्म है, उसके बाद आएगी शिव रक्षक एंड क्या मैंने अभी नाम लिया था मेरी फिल्म का, मैं भूल गई। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी फिल्में देखते रहें और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें।